ओम अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की बड़ी ही सुंदर कथा में हमने वो चर्चा की, वो वर्णन किया, किस प्रकार से कृष्ण और बलराम अब मथुरा नगरी में विचरण कर रहे हैं। वो एक धोबी से मिले और जिसने जो है जो कंस का सहयोगी था, एक असुर था, कृष्ण ने उनका वध किया और इस प्रकार से उसका उद्धार किया। उसके उपरांत जो वस्त्र उन्होंने वहां से लिए उसको सिलने के लिए एक भक्त था जो दर्जी का काम करता था, और उसने कृष्ण और बलराम और उनके सखाओं के लिए सब वस्त्र बना करके दिए। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए उसकी सेवा के द्वारा और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, सभी प्रकार की सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब उसको प्राप्त होगा। और भगवान ने उससे ये भी कहा कि जब तुम इस शरीर को छोड़ करके जाओगे तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति, मतलब वैकुंठ लोक में भगवान की तरह ही, जिस प्रकार से भगवान का रूप है उसी प्रकार के रूप में, भक्त के रूप में वो भगवान की सेवा में वहां पर लगेगा। तो इस प्रकार से इस दर्जी भक्त की उसको आशीर्वाद दे करके कृष्ण और बलराम जो है वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के पश्चात वो एक घर में गए जहां पर एक माली रहता था जिसके बगीचे में सुंदर फूल थे और उस फूलों के द्वारा वो फूलों का कार्य करता था। तो कृष्ण और बलराम वहां पर जब गए तो ये माली जो है जिसका नाम सुदामा था, ये सुदामा अलग है, वो कृष्ण भगवान का सखा सुदामा अलग है। तो ये जो सुदामा नामक माली था ये इसने सोचा कि मैं तो बड़ा धन्य हो गया है, कृष्ण और बलराम स्वयं मेरे घर में यहाँ पर पधारे हैं। तो भगवान को उसने प्रणाम किया, प्रणाम करने के पश्चात में भगवान से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में उसने भगवान से कहा, भगवान न केवल मैं, न केवल मेरा घर धन्य हो गया है, मेरे जितने भी पूर्वज हैं वो सब भी धन्य हो गए हैं, उन सबको भी मुक्ति की प्राप्ति जरूर हुई होगी आपके इस घर में आने से, आपके इस प्रकार से दर्शन देने से, ये मेरा पूरा घर जो है पवित्र हो गया है। भगवान आप तो स्वयं बलराम जी के साथ जो आपके अंश हैं इस भौतिक संसार में साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं, लेकिन आपके लिए दुश्मन में और दोस्त में कोई अंतर नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, लोग आपको दुश्मन के रूप में देखते हैं, आप दोनों के लिए बराबर हो। भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं मैं सबके लिए बराबर हूं, ना मेरा कोई द्वेषी है ना मेरा कोई मित्र है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है भगवान जो है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं ये माली जो है सुदामा माली भगवान से करने लगा। और उसके बाद में उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, कृपा करके बताइए मैं आपकी सेवा किस प्रकार से करके धन्य हो सकता हूँ। तो जब भगवान ने इस प्रकार से पूछा, जब भगवान से उन्होंने इस प्रकार से पूछा तो भगवान ने कहा कि तुम माली के रूप में हो, तुम अपनी तरफ से इन फूलों के द्वारा जो सेवा करना चाहते हो तुम कर सकते हो।
तो तुरंत जो है उसने और अपने अनुयायियों के साथ में मिलकर के, सहयोगियों के साथ में मिलकर के, कृष्ण और बलराम के लिए बड़ी ही सुंदर मालाएं उसने जो है बनाई और भगवान ने जो है प्रेम रूपक वो मालाएं अर्पण की, धारण की। इसी प्रकार से जब भी हम मंदिरों में जाते हैं हमेशा हमें सोचना चाहिए भगवान कोई भिखारी नहीं है, भगवान हमसे कुछ चाहता नहीं है, लेकिन प्रेम के द्वारा हम अपनी तरफ से कुछ भी भगवान को प्रदान करते हैं, भगवान हमारी भक्ति का भूखा है। भगवान भगवद गीता में स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति। पुष्प भी अगर हम अपनी तरफ से थोड़ा पानी भी अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान उसको प्रेम से ग्रहण करते हैं और उसमें हमारी भलाई है, हम भगवान की सेवा। वेदों में उदाहरण दिया है जिस प्रकार से अगर आप जो है अपने चेहरे को सजा लेते हैं तो आपको अलग से आपके प्रतिबिंब, आपकी जो रिफ्लेक्शन होती है, आप मिरर में देखते हैं, आप शीशे के अंदर में आपका चेहरा देखेंगे, आपका चेहरा सजा है तो शीशे के अंदर में ऑटोमेटिकली सज जाता है, अलग से सजाने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हम भगवान के प्रतिबिंब हैं, भगवान की हम सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से हम भी सज जाते हैं, हमारा जीवन भी जो है श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार से इस माली ने जो है भगवान की सेवा की, सुंदर रूप से जो है भगवान को दो कृष्ण और बलराम के लिए अपने फूलों के द्वारा बढ़िया जो है मालाएं बनाई और भगवान को जो है वो अर्पण की। तो भगवान ने भी उसको स्वीकार किया और उसी प्रकार से जैसे भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया था, भगवान ने इसी प्रकार से इस माली को भी आशीर्वाद दिया कि इस भौतिक संसार के अंदर में भी वो सुख ऐश्वर्य भोगेगा और संसार को छोड़ने के उपरांत उसको भी जो है सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम में जाकर के वो भगवान की सेवा में लगेगा। इससे एक बड़ी सुंदर सीख हम सीख सकते हैं, आचार्य ने बताया है। इसलिए भक्ति को बड़ा विशेष कहते हैं, बड़ा महान कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं इस भौतिक संसार में हम कितना भी निवेश क्यों ना करें, हम अपनी पूंजी बढ़ाते हैं, पैसे बढ़ाते हैं, धन दौलत बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं हम निवेश करते हैं, हमारा समय निवेश करते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारी शक्ति निवेश करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में जब शरीर छोड़ करके जाते हैं सब चला जाता है, बैलेंस जीरो ही हो जाता है फाइनली। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी महान है, हम अपनी तरफ से मन के द्वारा, भावनाओं के द्वारा थोड़ी भी भगवान की भक्ति करते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़ा भय भी हमारे जीवन से टल जाएगा अगर हम थोड़ी भी भगवान की तरफ, अपनी तरफ से भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से इन जो है इस माली ने भी अपनी तरफ से, जो अपनी तरफ से हो सका, जो उसका टैलेंट था, जो उसका व्यवसाय था, उसके द्वारा उसने भगवान की सेवा की। इसी प्रकार से सभी लोगों को भगवान ने कुछ ना कुछ प्रदान किया है, अपने उस टैलेंट के द्वारा, अपनी पोजीशन के द्वारा, अपने धन दौलत ऐश्वर्य के द्वारा, सब चीज़ों के द्वारा भगवान की सेवा हमें जो है करनी चाहिए। और ये सीख मिलती है कि भगवान का भक्त भौतिक सुखों से भी वंचित नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर भगवान की भक्ति करूंगा, ठीक है तुम कह रहे हो कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो किसने देखा है ये भौतिक संसार में। तो भगवान के यहाँ पर हम दोनों के जो है उदाहरण देख सकते हैं, दर्जी के भी देख सकते हैं, इस माली के भी देख सकते हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान की सेवा की, तुरंत जो है सौभाग्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, भाग्य सब उनको जो है प्राप्त हुआ। तो भगवान का भक्त किसी भी चीज़ से वंचित नहीं होता है, ये हम जो है इस पाठ, इस जो है कहानी से सीख सकते हैं। इसके बाद में ये माला धारण करने के पश्चात कृष्ण और बलराम जो है अपने सखाओं के साथ में मथुरा की गलियों से निकल रहे थे, तभी कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी जो है औरत है, जो जवान है, लेकिन उसकी कमर जो है झुकी हुई है। कुबड़ी का मतलब होता है जैसे उसकी जो है कमर बिल्कुल झुकी रहती है, जैसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, लेकिन ये नव युवती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, क्योंकि वो कुबड़ी थी इसलिए वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी। तो कृष्ण और बलराम जो है
अपने सखाओं के साथ में कुछ जो है व्यंग करना चाहते थे, और कृष्ण का व्यंग जो है उसमें हम जिस प्रकार से किसी का मजाक उड़ाते वैसा नहीं है। हम देखेंगे जब भगवान ने व्यंग भी उसका उड़ाया वो भी उसकी भलाई के लिए था। तो व्यंग करते हुए कृष्ण ने जो है उस नव युवती को संबोधित किया, हे सुंदरी, हे बड़ी ही सीधी और लंबी सुंदरी, इस प्रकार से भगवान ने कहा। एक्चुअली तो असल में तो वो सीधी नहीं थी, वो तो बिल्कुल झुकी हुई थी, लेकिन भगवान इस प्रकार से व्यंग कर रहे थे। तुम ये हाथ में चंदन लेकर के कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि कृष्ण और बलराम जी, मैं कंस की सेवक हूँ और रोज मैं जो हूँ यहाँ से चंदन लेप लेकर के जाती हूँ, कंस को प्रदान करती हूँ, और कंस भी जो है मेरी सेवा से बड़ा खुश है। मैं आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि आपके दर्शन करने के बाद में मुझे लग रहा है कि ये सेवा कंस के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सेवा तो आपके लिए होनी चाहिए। इसलिए भगवान, अगर आप मुझे आज्ञा प्रदान करें तो मैं अपने स्वयं हाथों के द्वारा आपके पूरे शरीर को चंदन लेप लगाना चाहती हूँ। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य जो है इस कुब्जा का था, उसने जो अपनी तरफ से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न किया और ये आकांक्षा की कि भगवान मुझे ये जो है अवसर प्रदान कीजिए कि ये कंस के लिए मैं लेकर के जा रही हूँ। क्योंकि भगवान ने भी बताते हैं कि ऐसे मूर्ख कंस की सेवा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो दुष्ट है। सेवा अगर हम लोग करते हैं ऐसे कृपण लोगों की नहीं करनी है, हमें सेवा करनी है तो महात्मा की करनी है, भगवान की करनी है, उसे सेवा कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कुब्जा ने जो है जब इस प्रकार से आकांक्षा की कि वो भगवान की सेवा करना चाहती है, भगवान अति प्रसन्न हुए। तो कुब्जा जो है उसने अपने हाथ के द्वारा, उस चंदन के द्वारा भगवान के पूरे शरीर के ऊपर जो है लेप किया, और भगवान जो है बड़े ही शीतलता के साथ में, उनको जो शीतलता अनुभव हुई, जब चंदन लगाया जाता है गर्मी हो तो शीतलता का अनुभव होता है, भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। और तुरंत भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने पाँव के द्वारा, अपने पाँव के अंगूठे के द्वारा कुब्जा के पाँव के ऊपर पाँव रखा, और भगवान ने उसकी ठोड़ी के ऊपर अपना अंगूठा रखा, और भगवान ने एक झटका जोर से दिया, और जैसे ही भगवान ने इस प्रकार से इस कुब्जा को झटका दिया, तुरंत जो है भगवान के स्पर्श मात्र से, इस प्रकार से करने से, ये एक लंबी और बड़ी ही सुंदर, जितनी भी मथुरा नगरी के अंदर में जितनी भी युवतियां थी उन सब में से अत्यधिक सुंदर जो है कुब्जा जो है अपने रूप में उसको जो है परिवर्तित हो गई। तो जब सभी सखाओं ने भी ये देखा तो भी वो भी जो है बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भगवान ने जो है इस प्रकार से किस प्रकार से जादू किया कि कुब्जा जो है अब अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में यहाँ पर खड़ी है। तो जब कुब्जा इस प्रकार से उसको सुंदर युवती का शरीर प्रदान हुआ तो वो भगवान की तरफ अत्यंत आकर्षित हो गई। जिस प्रकार से मथुरा की जितनी भी नारियाँ थी, स्त्रियाँ थी, जिस प्रकार से गोपियाँ थी वृंदावन में, वो भी भगवान की तरफ आकर्षित थी। लेकिन कुब्जा जो है उसके मन के अंदर में थोड़ी काम वासना थी, वो चाहती थी कि जिस प्रकार से एक जो है स्त्री अपनी काम वासना पूरी करने के लिए, वो चाहती थी कि भगवान मेरे घर पर आए और मेरी वासनाओं को जो है तृप्त करें। तो भगवान ने कहा उस समय कि मेरा अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिस कार्य के लिए मैं मथुरा नगरी में आया हूँ पहले मैं वो कार्य पूरा कर लेता हूँ, उसको पूरा करने के बाद तुम्हारी इच्छा जरूर जो है उसको पूरी करूँगा, तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार से कहने के पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम जो है आगे निकल गए। आचार्य इस जो है वृतांत से बड़ा सुंदर अर्थ हमें समझाते हैं। आचार्य बताते हैं कि देखिए कुब्जा के जीवन के अंदर में ना तो उसके जीवन में सुंदरता थी, ना अनेकों प्रकार की योग्यता थी। अब बहुत सारे लोगों के पास में अनेकों प्रकार के टैलेंट होते हैं, योग्यता होती है, ये तो एक स्त्री मात्र थी, कुबड़ी स्त्री थी, एक चंदन का लेप लेकर के जो है एक असुर की सेवा में लगी थी। लेकिन किस प्रकार से जैसे ही उसने सब कुछ भगवान के लिए न्योछावर किया, भगवान की सेवा के लिए अर्पित किया, तुरंत उसका शरीर जो है पूर्ण रूप से सुंदर हो गया।
इसी प्रकार से भक्त को समझना चाहिए, पूर्व योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर में ये योग्यता है, वो योग्यता है, पंडित है, ज्ञानी है, तब भगवान हमको स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान भक्तवत्सल है, भगवान हमारी भावनाओं को देखता है, किस भावना के द्वारा हम भगवान की सेवा में लगे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ऐसा करने पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से उसका जीवन सुंदरता और सभी योग्यताओं से भर गया। ये भगवान की भक्ति के उत्तम लक्षण है। भगवान के भक्त जब भगवान की भक्ति में लगता है, सारे बढ़िया गुण उसके जीवन के अंदर में आ जाते हैं। हिंदी में आपने एक कहावत सुनी होगी, उस कहावत में कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। मतलब एक अगर कोई मेटल है, उसको शेप में लाने के लिए, उसको सही प्रकार से जो है बिठाने के लिए, सुनार जो है उसको 1000 बार पीटना पड़ता है, 100 बार पीटना पड़ता है। लुहार क्या करता है, एक हथौड़ी मारता है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति है। हम भौतिक संसार में ये गुण अर्जन करूंगा अनेकों प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है। भगवान की भक्ति कर लेंगे तो सारे जो देवताओं के सुंदर गुण हैं, हमारा जीवन उन गुणों से भर जाएगा। तो ये हम जो है कुब्जा के जीवन से भी देख सकते हैं, इस प्रकार से भगवान ने किया। उसके उपरांत भगवान जो है कृष्ण और बलराम जी अपने सखाओं के साथ में, अब वहाँ पर जो है जो लोग खड़े हुए थे, जो इकट्ठे हुए थे, उनसे उन्होंने पूछा, मथुरा वासियों से पूछा कि भाई ये कंस ने धनुर्यज्ञ कहाँ पर आयोजित किया है, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। तब वहाँ पर लोगों ने, व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ पर इस जगह पर जो है कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है। कंस ने क्या किया था, उस धनुर्यज्ञ में एक बड़ी जो है जिसे बोलते हैं ना तीर कमान जो होती है, वहाँ पर रखी हुई थी। और वो तीर कमान जैसे इंद्रधनुष जितना बड़ा होता है, इतनी बड़ी जो है धनुष वहाँ पर रखी गई थी, और वहाँ पर धनुर्यज्ञ था, और उसके कंस के बहुत सारे सेवक थे जो उसकी रखवाली कर रहे थे। तो जब कृष्ण और बलराम उसके नज़दीक आए उस धनुष को देखने के लिए, तो सारे के सारे जोर जोर से कहने लगे, अरे बच्चों इसके पास में मत आओ, तुमको किसने कहा है यहाँ पर आने के लिए। तो कृष्ण और बलराम ने सुना नहीं। कृष्ण ने क्या किया, तब अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया और उसकी जो है प्रचंडता, जो उसके जो धागे को जो है भगवान ने बांधना शुरू किया, और जैसे ही भगवान ने उसके धागे को बांधना शुरू किया, ये धनुष जो है बीच में से टूट गई। बड़ा भयंकर जो है उसमें से गर्जन हुई, और जो है कंस बिल्कुल भयभीत हो गया। ये एक प्रकार से उसके लिए चिन्ह था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसको जो है याद आ गया कि लग रहा है कि मेरी मृत्यु अब बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल घबरा गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा, और जो भी वहाँ पर भी अनुयायी थे, सब जो है उन्होंने भगवान कृष्ण को और बलराम को जो है पीटना शुरू किया। तब कृष्ण और बलराम ने क्या किया, जो टूटा हुआ धनुष था उठाया और मार मार करके जो है इन सभी कंस के आसुरिक अनुयायियों का वध किया। और आगे भगवान जो है अब किस प्रकार से कंस के धनुर्यज्ञ में भाग लेने के लिए जाएंगे, इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।